जो बच्चे के सॉरी जो इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के जो डीमेरिट्स हैं वो ये हैं कि फर्स्ट डीमेरिट तो ये आ जाता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप में आपकी मेमोरी भी देखी जाती है और जो आपकी नॉलेज है वो भी देखी जाती है, ठीक है। तो एक तरफ तो बोलते हैं कि रटने पर बल नहीं देना, दूसरी तरफ रटाया भी जाता है क्योंकि आपकी जहाँ पे स्मरण शक्ति यानी कि मेमोरी यूज़ हो रही है वहाँ पे आपकी जो थिंकिंग पावर है वो यूज़ नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों चीज़ें क्या है अलग अलग वे में चली जाती है कि आपकी मेमोरी कितनी है जो आपने पहले लर्न किया है और आपकी थिंकिंग पावर कितनी है जो आप सोच रहे हैं, जो आप करेंटली सोच रहे हैं। तो आपकी थिंकिंग पावर कहाँ यूज़ करेगी वो आपकी ऐसे टाइप में करेगी, मेमोरी आपकी कहाँ यूज़ करेगी वो यहाँ पर करेगी। तो ये एक डीमेरिट है कि दोनों चीज़ें साथ में नहीं की जा सकती हैं। और सेकेंड चीज़ ये कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के अंदर ज़्यादा तुक्केबाजी की, अटकलबाजी की ज़्यादा वो रहती है कि बच्चे तुक्के भेड़ आते हैं, अगर उनको आंसर्स नहीं पता होते तो वो तुक्का लगा जाते हैं कि ठीक है इसका आंसर ये, इसका आंसर ये। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस उसे नहीं आते हैं तो वो सब में बी 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 सी 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 ऑप्शंस फिल कराते हैं कि 10 में से 5 तो ठीक होंगे, 6 तो सही होंगे। तो यहाँ पर भी क्या है कि तुक्केबाजी और अटकलबाजी के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं बच्चों को ऑब्जेक्टिव टाइप में। और तीसरी चीज़ ये, तीसरा जो डीमेरिट है इसका अवगुण है वो ये है कि बच्चे की आप भाषा जो बच्चे की नॉलेज है लैंग्वेज से रिलेटेड वो आप इवेल्युएट नहीं कर सकते हो कि बच्चे की एक लैंग्वेज के ऊपर कितनी कमांड है कितनी कमांड नहीं है, वो कितना प्रॉपर वे में एक लैंग्वेज को लिख सकता है, बोल सकता है, शब्दों को ढाल सकता है, ठीक है। तो आप लैंग्वेज से रिलेटेड इसमें कुछ नहीं कर सकते हो ऑब्जेक्टिव टाइप में, आप भाषा का क्या एबिलिटी चेक नहीं कर सकते हो ऑब्जेक्टिव टाइप में, आप बच्चे के थॉट्स को नहीं देख सकते हो, उसकी नॉलेज को चेक नहीं कर सकते हो कि बच्चे की अपनी खुद की नॉलेज क्या, आपकी अपनी खुद की थिंकिंग क्या है, थॉट्स क्या हैं, ठीक है। ये भी एक डीमेरिट है इसका। और इससे रिलेटेड आप ऑर्गेनाइज एबिलिटी नहीं देख सकते हो बच्चे की कि बच्चा किसी चीज़ को कितने सिस्टमेटिकली तरीके से लिख रहा है, किस वे में ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसको ऑर्गेनाइज करना आता भी है या नहीं आता। अब ऑब्जेक्टिव टाइप में वो कहाँ ऑर्गेनाइज करेगा, सब कुछ तो आपने ही दे रखा है उसको सामने, उसे तो बस टिक करना है, गोला फिल करना है, काम ख़त्म। लेकिन अगर ऐसे टाइप क्वेश्चन होता है तो उसको अपनी बात को कहने, समझने, सोचने और उसको एक सीक्वेंस वे में लिखने का तरीका आता, लेकिन यहाँ पे क्या है एक ऑर्गेनाइज एबिलिटी आप यहां पे जज नहीं कर सकते हो बच्चे की, ठीक है। ये थे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के मेरिट और डीमेरिट, कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं और उसके फायदे और नुकसान क्या हैं आपके। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप कितने प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्टिव टाइप होते क्या है, क्वेश्चंस कैसे होते हैं, उसके मेरिट और डीमेरिट। अब बात करते हैं टाइप। तो 5 प्रकार के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। उसमें फर्स्ट है 2 ऑल्टरनेटिव, सेकेंड है मल्टीपल चॉइस यानी कि MCQs वाले, थर्ड है आपका मैचिंग टेस्ट, फोर्थ है आपका फिलिंग दी ब्लैंक्स और फिफ्थ है आपका अरेंजमेंट टाइप। अब एक एक करके सब डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट आता है आपका 2 ऑल्टरनेटिव। 2 ऑल्टरनेटिव में क्या होता है कि 2 ऑल्टरनेटिव में आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है और उसके 2 ऑप्शंस होते हैं, येस या नो में, मतलब हाँ या नहीं में, या सही या गलत के अंदर, ठीक है। तो उसमें आपसे किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ये पूछ लिया होता है कि आपको पता है कि दिल्ली कहाँ है, तो बच्चे आंसर करेंगे यस पता है कि कहाँ है, नो नहीं पता कि नहीं कहाँ, तो ये पूछ सकते हैं। क्या आपको पता है दिल्ली किसकी राजधानी है, ऐसे पूछ सकते हैं कि यस पता है हमें कि दिल्ली किसकी राजधानी है, नहीं। अब ये बाद का क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि किसकी राजधानी है, बच्चे तब आपको आंसर करते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे हाँ या नहीं, येस और नो वाले और सही और गलत वाले ऑप्शंस होते हैं जिसमें 2 ऑल्टरनेटिव्स रहते हैं, ठीक है, वो आपके क्या होते हैं, फर्स्ट टाइप होते हैं, 2 ऑल्टरनेटिव रहते हैं। अब 2 ऑल्टरनेटिव्स के अकॉर्डिंग इसके यूज़ क्या है, 2 ऑल्टरनेटिव्स में आप वोकैबुलरी चेक कर सकते हो, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड जब आप ये वाले क्वेश्चन सेट करोगे तो उसमें आप क्या चेक कर सकते हो, बच्चों की वोकैबुलरी चेक कर सकते हो और बच्चों की नॉलेज चेक कर सकते हो।
और इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ रूल्स चेक कर सकते हो, जैसे नियम और फॉर्मूलेज हो गए, सूत्र हो गए, वो चेक कर सकते हो कि आपको परसेंटेज का फॉर्मूला पता है क्या होता है, येस और नो, ऐसी चीज़ें चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये वहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन एक और चीज़ है कि इसका डीमेरिट पॉइंट ये है कि बच्चे यहाँ पे भी तुक्का लगा सकते हैं। अब वो तुक्का कैसे लगा सकते हैं, कहते हैं ना कि 100 जने की भीड़ होती है तो उसमें आप एक को नहीं छाँट सकते। अब आप क्लासरूम में 50 बच्चे हैं, हो सकता है 50 में से 40 को आता हो, 10 को ना आता हो, तो आपने पूछा कि आप परसेंटेज का फॉर्मूला आपको पता है, येस और नो, तो 10 जिनको नहीं आता वो भी क्या करेंगे भीड़ के अंदर, मैम येस आता है। अब उसको इंडिविजुअली तो नहीं जज कर पाओगे कि उनको आता है या नहीं आता, तो वो भी क्या करेंगे भीड़ के अंदर गर्दन हिला देंगे, यस मैम आता है, ठीक है। तो वहां पे इसका एक ये डीमेरिट पॉइंट हो जाता है कि वहां पे आप अच्छे से क्या है वहां पे निकाल नहीं सकते हो। और दूसरी चीज इसमें डीमेरिट ये आती है कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चनिंग सेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक प्रॉपर वे में जज नहीं कर पाते। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपसे बात करी थी एक एग्जाम्पल को लेके कि आप पूछेंगे कि दिल्ली किसकी राजधानी है, आपको ये पता है, तो बच्चे बोलेंगे येस और नो। फिर आप सेकंड क्वेश्चन वहाँ पे ये नहीं कर सकते, अच्छा बताओ किसकी है, तो कुछ बच्चे कुछ बता रहे हैं, एक ने सुन लिया तो 10 को नहीं पता था, उन्हें भी पता चल गया अब तो कि दिल्ली है, ठीक है। तो वहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आप इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या आ गया, ऑल्टरनेटिव की तरह है। ऑल्टरनेटिव में क्या थे, 2 ऑप्शंस थे आपके येस और नो में, सही या गलत में, राइट और रॉन्ग में। और मल्टीपल में क्या है कि आपके साथ एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए होंगे आपके, 4, 3, 5, ए बी सी डी ई, ऐसे करके क्या आपको ऑप्शंस दिए होंगे एक के, ठीक है। जैसे अब आपसे यहाँ पे कोई क्वेश्चंस पूछ लिया, लाइक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसे आपके ये हो गए कि आपसे ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया कि कुतुब मीनार कहाँ है, इसके 3 ऑप्शन दे दिए, दिल्ली, आगरा, लखनऊ, तो आपने सही उसको टिक कर दिया कि आपका आंसर था दिल्ली, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या हो गए, मल्टी ऑप्शन दे दिए जाते हैं आपको, एक या 2 ऑप्शन नहीं दिए जाते, उसके अलावा 3, 4, 5 ऑप्शन कितने भी आपको यहाँ पर मल्टीपल में दिए जा सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल के फ़ायदे क्या हैं, मल्टीपल में आप नंबर ऑफ क्वेश्चनिंग ज़्यादा रख सकते हो, एक पूरे कंटेंट को आप प्रॉपर वे में क्या है उसको इवेल्यूएट कर सकते हो यहाँ पे, नंबरिंग ऑफ क्वेश्चंस कितनी भी बढ़ा के, और इजीली क्या है उन क्वेश्चंस को मेंटेन कर सकते हो। आपको पता है कि आपको अगर एक चैप्टर के अंदर 50 क्वेश्चन लिखने हैं, 100 क्वेश्चन लिखने हैं, तो बड़ी सरलता से उनके ऑप्शंस लगा के सकते हो। और बच्चे को इसके साथ साथ बाकी चीज़ें भी इवेल्यूएट करनी आएगी, लाइक बच्चे को पता रहेगा अगर कि कुतुब मीनार कहाँ है, दिल्ली में है, तो उसको बाकी अदर ऑप्शंस जो गलत होंगे उसके, उसको इसके बारे में नॉलेज होगी कि आगरा में तो क्या है, ताजमहल है, लखनऊ में क्या है, कुछ और है, तो ये सारी चीज़ें उसको क्या हो जाएंगी, एक तरह से उसके माइंड में सेट हो जाएंगी कि कभी भी कुतुब मीनार से रिलेटेड आगरा और लखनऊ कभी हो ही नहीं सकता। और ऐसा भी हो सकता है कि वो कभी ऐसे वे में या कहीं और पे भी देखे तो उसके दिमाग में दिल्ली बिल्कुल छप जाएगा कि जो भी रिलेटेड इससे है वो दिल्ली में ही है, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज़ है। और ऑब्जेक्टिव टाइप में जो डीमेरिट है वो यही है कि अटकलबाजी करते हैं बच्चे, तुक्के लगा देते हैं, रटन शक्ति पे भी बल दिया जाता है कि बच्चे ने रट्टा मार लिया। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को नॉलेज भी नहीं होती, तुक्का मार देते हैं कि मेरे को इसका आंसर दिल्ली नहीं भी पता, तो भी मैंने सोचा ए लगा देती हूँ, क्या पता सही हो जाए, और इन केस वो सही भी हो गया, बच्चे को उसके मार्क्स भी मिल गए, लेकिन बच्चे को क्या थी उसकी नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ, स्कोरिंग में काफ़ी यूज़फुल है कि आप अटकलबाजी से भी तुक्के मार के भी स्कोर मार्क्स कर सकते हो, तो इसमें बड़ा बेनिफिट है इसके अंदर। लेकिन डीमेरिट यही आ जाता है कि अटकलबाजी लगाओगे तो आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी किसी कंटेंट से रिलेटेड, और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्वेश्चंस को मेंटेन करना, क्योंकि अगर एक चैप्टर से रिलेटेड या एक कंटेंट से रिलेटेड आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने ज़्यादा लिख रहे हो तो कई बार क्या होता है रिपीटेशंस हो जाती हैं, आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने में मुश्किल हो जाती है कि आप ऑप्शन यहाँ पे क्या रखें, थोड़ा ऐसा होना चाहिए ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग और इस टाइप से। अगर आप बिल्कुल ही अलग हटा के रख दोगे क्वेश्चंस कि बिल्कुल ऐसे लिख दोगे कि अगर मान लीजिए कि आपने पूछा कि कुतुब मीनार कहाँ है,
ठीक है, आपने एक ऑप्शन दे दिया दिल्ली, दूसरा दे दिया अमेरिका, पेरिस, तो बच्चे को पता है कि कुतुब मीनार वैसे ही हिंदी लैंग्वेज का वर्ड है या फिर उसने सुना है कि भारत से रिलेटेड ही है, तो अमेरिका और पेरिस में कहाँ से होगा, वो सीधा ऑप्शन क्या लगाएगा, दिल्ली ही लगाएगा। तो इसीलिए क्या है, आपको थोड़ी चीज़ें ऐसे भी कॉम्प्लिकेटेड और सीक्वेंसली रखनी है कि वहाँ पे थोड़ा बच्चा कंफ्यूज भी हो, ठीक है, ये नहीं कि बिल्कुल ही हटकर आंसर्स कर दो, ठीक है। ये हो गए आपके मल्टीपल चॉइस। उसके बाद बात करते हैं मैचिंग टाइप। अब मैचिंग टाइप आपके कैसे होते हैं कि मैचिंग टाइप क्वेश्चंस के अंदर, मैचिंग टाइप क्वेश्चन के अंदर आपको दो स्टेंजास या दो कॉलम्स दे दिए जाते हैं, लाइक ऐसे, ये कॉलम वन, ये कॉलम टू, तो इससे रिलेटेड क्या है, आपके यहाँ पे एक ऑप्शंस होंगे जो आपके क्वेश्चंस के रूप में होंगे, सेकंड में उसके ऑप्शंस दिए होंगे जो आपके आंसर्स के रूप में होंगे, आपको उनको क्या है मैच करना होता है। फॉर एग्जांपल, हाँ, तो आपके मैचिंग टाइप्स में कैसे हो गए कि आपको कॉलम वन दे दिया, कॉलम टू दे दिया, ठीक है। तो कॉलम वन में आपके साथ जैसे ऐसे डिस्कस कर लिया कि कुतुब मीनार, सीधी सी बात है, ये ऑप्शन आपको क्वेश्चन ही दिख रहे होंगे, ऊपर आपको दिया होगा कि अप्रोप्रिएट उससे मैचिंग करिए जो भी आपको इसका आंसर लगता है। तो कुतुब मीनार कहाँ है, दिल्ली में, या आपको जो आपको आंसर्स में दिखाई दे रहा है वो जगह का नाम दिखाई दे रहा है, तो आप जगह ही वो करेंगे कि कहाँ है दिल्ली में, ये तो नहीं है ना कुतुब मीनार किसने बनवाया, यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है किसने बनवाया, ठीक है। तो कहाँ है, दिल्ली में, ताजमहल कहाँ है, आगरा में, तो आप ऐसे क्या करेंगे, इसमें मैचिंग करेंगे, ठीक है। अब इसके मैरिट डीमेरिट क्या आ जाते हैं, इसके मेरिट्स के अंदर आ जाता है कि एक सहचार्य क्षमता बढ़ाती है, मतलब एसोसिएशन एबिलिटी बढ़ाती है, बच्चे को पता होता है कि अगर फॉर एग्जांपल ऐसा होगी, यहाँ पे तीन या चार ऑप्शन होते हैं और बच्चे को उसमें से तीन पता होते हैं, तो बच्चे ने मैच कर दिया, जो चौथा क्या है उसको अपने आप पता चल जाता है कि अच्छा ये तो मुझे पता ही नहीं था, लेकिन ये ऑप्शन क्या है रिमेनिंग में रह गया, तो इसका मतलब इसका मैचिंग यही है, तो वहाँ पे क्या है एक तरह से बच्चे की एबिलिटी बढ़ जाती है, नॉलेज बढ़ जाती है, उसको ज़िंदगी भर के लिए क्या है वो परमानेंट नॉलेज में हो जाती है, क्योंकि वो एक सीख से लर्न कर लेता है कि मेरे को तीन पता है चौथा नहीं पता, यानी कि इसकी मैचिंग ये है तो मतलब इसका आंसर ये होगा। और सहचार्य एबिलिटी होती है, यानी कि एसोसिएशन एबिलिटी में क्या होता है कि आप किसी चीज़ को जब सिस्टमेटिकली रूप में मैच करने के लिए ट्राई करते हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जब बच्चे को ये चीज़ पता होती है कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, तो बच्चे को उस रूप में बाकी आंसर्स की भी नॉलेज साथ के साथ होती जाती है, उसको एक सिस्टमेटिकली तरीके से उसको एसोसिएट करना आ जाता है, ठीक है। और दूसरा बेनिफिट है इसका कि बच्चे इसमें ज़्यादा तुक्के नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े, मतलब जो सीक्वेंस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, कि अगर इसका तुक्का लगा दिया सेकेंड आपका गलत हो जाएगा, और एक भी गलत हुआ तो पूरा मार्क्स कट गया, ये नहीं कि आपने कुतुब मीनार सही लगा दिया दिल्ली में और ये वाला ताजमहल गलत लगा दिया तो आपको एक नंबर तो मिल ही जाएगा, इसका नहीं मिलेगा, तो क्या हुआ, ऐसा नहीं है, अगर आपने तीन सही लगा दिए एक भी गलत लगा दिया तो आपका मार्क्स गया, ठीक है। तो इसीलिए वहां पे क्या है आपको इस रूप में ध्यान देना पड़ता है कि थोड़ी तुक्केबाजी नहीं मार पाते हो। उसके बाद बात करते हैं फिलिंग दी ब्लैंक्स की। फिलिंग दी ब्लैंक्स में क्या होता है कि आपको एक सेंटेंस दिया होता है, मतलब आपके सामने फिलिंग दी ब्लैंक्स में क्या होता है, एक सेंटेंस होता है जिसमें से कुछ पॉइंट उसके ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट उड़ा दिए जाते हैं, मिस कर दिए जाते हैं, फिलिंग दी ब्लैंक्स दे दिया जाता है वहाँ पे उस सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना होता है उसके ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट्स को फिल करके। जैसे मान लीजिए राम, जैसे मान लीजिए कुतुब मीनार डैश स्थान पर है, तो कहाँ पे, कुतुब मीनार दिल्ली स्थान पर है, ठीक है, तो वो क्या हुआ, डैश को आपने फिल कर दिया कि दिल्ली, तो आपने क्या किया, एक सेंटेंस को जो आधा अधूरा था उसको कंप्लीट कर दिया कुछ फिल करके, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें रटने की कोई वो नहीं होती है, इसमें बच्चे को पता है कि ये चीज़ ये है तो बच्चा डायरेक्ट आंसर पुट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी रोट मेमोरी और ये सारी मेमोरी काम तो आती है कि बच्चा सोच रहा है कि कुतुब मीनार क्या है, दिल्ली में, उसने रट लिया, ठीक है, वो जाके वहाँ पे पुट कराएगा, लेकिन आपके साथ साथ यहाँ पे थिंकिंग पावर और वो सारी चीज़ें क्या होती है वो यूज़फुल नहीं होती हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है आपको अप्रोप्रिएट आंसर करने होते हैं, वहाँ पे आपको डायरेक्ट फिल करना होता है कि इसमें आपको ये अप्रोप्रिएट आंसर है, वहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग नहीं लगा सकते। लॉजिकल थिंकिंग वहाँ पे क्या लगाओगे कि आप ये सोचोगे कि ओ इसके अंदर भारत भर दूँ,
सही लगेगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग, सही तो लगेगा लेकिन वो उसका अप्रोप्रिएट आंसर तो नहीं है। तो इसीलिए क्या करना है, आपको अप्रोप्रिएट आंसर देना है। तो वो होते हैं आपके फिलिंग दी ब्लैंक्स, जिसके अंदर आप एक सेंटेंस में कुछ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कुछ भी गायब कर देते हो, मिसिंग कर देते हो, देन आपको उसको सेंटेंस को या सीक्वेंस को पूरा करना होता है, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट टाइप है अरेंजमेंट टाइप। अरेंजमेंट टाइप में क्या करते हो कि कुछ वर्ड्स को आगे पीछे कर दिया जाता है, एक जो सेंटेंस होता है पूरा उसको आगे पीछे तोड़ मरोड़ के लिख दिया जाता है। जैसे कुतुब मीनार दिल्ली स्थान पर है तो उसको तोड़ दिया, कुतुब मीनार क्या है पीछे ले गए, यहाँ कुतुब मीनार लिख दिया लास्ट में। जैसे जैसे ये इस टाइप के क्वेश्चन, ये होते हैं अरेंजमेंट टाइप। जैसे यहाँ पे आप अगर यहाँ से सीक्वेंस देखा जाए तो कैसे लिखा हुआ है, दिल्ली कुतुब मीनार है स्थान पर, अगर मैं इसको ऐसे पढूं तो दिल्ली कुतुब मीनार है स्थान पर, तो इसका क्या कोई सेंस बन रही है, दिल्ली कहाँ पर दिया गया है, कुतुब मीनार स्थान पर। अब कुतुब मीनार स्थान क्या है, आपको पता है क्या है, कोई दिल्ली में जगह है क्या कुतुब मीनार स्थान, तो वो क्या है एक सीक्वेंस नहीं बन रहा। इनको क्या है अरेंजमेंट में करना, यानी कि आपको अगर नॉलेज है कि ये कहना क्या चाह रहा है, एक सीक्वेंस में लगाना, अरेंजमेंट करना इसका, तो वो होता है अरेंजमेंट टाइप। जैसे आप इसको सीक्वेंस में कैसे लगाएंगे कि कुतुब मीनार दिल्ली स्थान पर है, तो इसका सीक्वेंस क्या बन गया, कुतुब मीनार दिल्ली स्थान पर है, ठीक है। ये क्या हो गया, एक सेंटेंस बन गया इसका। तो आपने क्या किया, इन टूटे हुए को जो अलग अलग तोड़ मरोड़ के रखे गए थे, आपने उसको एक सीक्वेंस करके सेंटेंस के रूप में मेंटेन कर दिया, ठीक है। ये था आपका लास्ट ऑब्जेक्टिव, लास्ट आपका अरेंजमेंट टाइप, जो ये सारे ऑब्जेक्टिव के पार्ट्स थे। तो अब फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, इसके बाद टू टाइप और रह गए हैं वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टाइप रिवाइज करते हैं, ओरल एग्जामिनेशन, यानी कि मुख्य परीक्षा में आपके क्या बात रखी थी कि ओरली लेना है, जिसमें कन्वर्सेशन के थ्रू होना चाहिए। उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन आपको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, फर्स्ट आपका एसे टाइप और सेकेंड थे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप में आपके टू अल्टरनेटिव्स, जिसके अंदर टू अल्टरनेटिव्स आपके रखे जाते हैं, येस या नो में, राइट या रॉन्ग में, हाँ या नहीं में, या सही और गलत में। और मल्टीपल चॉइस में आपके तीन से चार या पांच ऑप्शंस रखे जाते हैं मल्टी में। और मैचिंग टेस्ट में आपके टू कॉलम्स दिए जाते हैं, जिसमें एक में क्वेश्चंस होते हैं, एक में आंसर्स होते हैं, आपको उन्हें अप्रोप्रिएट तरीके से मैच करना होता है जो उसका आंसर होता है। फिलिंग दी ब्लैंक्स में एक सीक्वेंस होता है, एक सेंटेंस होता है, उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट या कुछ भी चीज़ मिसिंग कर दी जाती है, जिसको पुट करके आपको पूरा सीक्वेंस यानी कि सेंटेंस कंप्लीट करना होता है। और अरेंजमेंट टाइप में एक वाक्य को तोड़ मरोड़ के लिख दिया जाता है, आपको उसको तोड़ मरोड़ के वापस से सही करना पड़ता है कि उसकी एक सेंस बने, एक लैंग्वेज बने या एक अरेंजमेंट हो पाए उसका, ठीक है। ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस। अब बात करते हैं ओपन बुक इवैल्यूएशन, यानी कि खुली किताब परीक्षा। खुली किताब परीक्षा से आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि आपको एक बुक दे दी गई है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे दिए गए हैं आपके सामने। आपको बुक का यूज़ करते हुए, मतलब जो आपके सामने बुक भी है और आपके सामने क्वेश्चन पेपर भी है, ठीक है, आपको क्वेश्चन पेपर पे जो क्वेश्चंस लिखे हैं उनके आंसर्स लिखने हैं, लेकिन बुक का यूज़ करते हुए। अब आपको बुक का यूज़ किस प्रकार से करना है, अब यहाँ पर ये चीज़ चेक की जाती है कि आप चीटिंग भी कर रहे हो तो कितनी सेंस अपनी यूज कर रहे हो। जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन आपको लिख दिया गया है कि वहां पे ये चीज बताइए, तो आपने जब बुक खोली तो पूरा चैप्टर ऊपर से लेके नीचे तक ये तो इसका टॉपिक है पूरा छाप दिया वहां पे, वो नहीं। उसमें आपकी क्या चीज़ चेक की जाती है ओपन बुक में, कि आप उस आंसर्स को कितने प्रॉपर वे में मेंटेन कर रहे हो, क्या चीज़ बुक से निकाल के लिख रहे हो, क्या चीज़ छोड़ रहे हो, क्या आपको लगता है कि यहाँ पे इस आंसर के लिए ठीक बैठेगी, क्या ठीक नहीं बैठेगी, या उसको सिस्टमेटिकली तरीके से आप कैसे अरेंज करोगे अपने वे में, उसके अंदर लैंग्वेज कैसी यूज़ करोगे ताकि एक अप्रोप्रिएट आंसर भी लिखे, पॉइंट्स में भी लगे और ऐसा ना लगे कि प्रॉपर बुकिश लैंग्वेज चीट करके लिखती है, ठीक है।
और आपके उसका लास्ट आता है क्लोज बुक एग्जामिनेशन, यानी कि बंद बुक परीक्षा। बंद बुक परीक्षा हमारे यहाँ सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में चलता है। आपको कोई भी बुक, या बोलते हैं चीटिंग के लिए वो फर्रे वगैरह होते हैं, कुछ यूज़ करने नहीं दिया जाता। आपको एक एग्जामिनेशन हॉल दिया जाता है जिसके अंदर बाकी आपकी सारी फैसिलिटीज़ होती है, प्रॉपर एनवायरनमेंट, हवा पानी वायु सब चीज़ होती है। आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छा मिला होता है, सीधा आपके सामने पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर आता है, आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, आप उसके आंसर्स लिखते हैं, जैसे आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, देन आप सबमिट करके चले जाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्लोज बुक एग्जामिनेशन। इसमें ज़्यादा डीपली पढ़ाने के लिए कुछ है नहीं, तो मैंने ऐसे ओरली बता दिया आपको। जो डीपली एक्सप्लेन करने की चीज़ थी वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, और आई होप पूरी अच्छे से एक्सप्लेन करी हूँ मैंने। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरीज हो, या कुछ भी आपको लगता है कि कुछ कमी रह गई है, या मुझे और एक्सप्लेन करना चाहिए, या किसी के मैरिट डीमेरिट समझ नहीं आए, एजुकेशनल यूजेस समझ नहीं आए, तो आप मेरे से कमेंट सेशन के थ्रू कमेंट करके बात कर सकते हो, बता सकते हो क्या कमी रह गई है। नेक्स्ट क्लास में मैं उसको इम्प्रूव करने के लिए ट्राई करूँगी, और आपसे एक एक्स्ट्रा क्लास लेके उसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपके हम क्या पढ़ रहे थे, ये हमारे टाइप ऑफ एग्जामिनेशन थे, परीक्षा के प्रकार थे। अभी हमारा इवैल्यूएशन, मूल्यांकन आकलन वाला टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट क्लास में और करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा लंबा है, लेंथ इसकी काफ़ी है इवैल्यूएशन की, और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड आपका जो भी पेडागोजी से रिलेटेड है। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को।